नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिफेंस स्टडी जोन पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे NDA-1 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है, आउट हो चुका है, जिसके अंदर UPSC ने एज के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। तो हम इस वीडियो में NDA जो फर्स्ट जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में कम्प्लीट डिटेल जानेंगे, अच्छे से पूरी बातचीत करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ऐड कर दीजिए। अगर आपको NDA का सिलेबस जानना है या NDA के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए है तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर जो दो थंबनेल दिखाई दे रहे हैं, चैनल पर जाकर इन दोनों वीडियोज़ को अच्छे से देख लीजिए और NDA के बारे में अच्छे से जानकारी जुटा लीजिए। अगर आप हमारे चैनल डिफेंस स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल के नीचे बनने वाले रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें तथा बनने वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को प्रेस कर दें। जब कभी भी मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की सेशन की। तो NDA-1 2020 का नोटिफिकेशन हो चुका है आउट। अगर आप भारतीय सेना को, इंडियन आर्मी को, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स तथा भारतीय नौसेना इंडियन नेवी को एज ए ऑफिसर एक अधिकारी के रूप में ज्वाइन करना चाहते हैं तथा देश की रक्षा करना चाहते हैं तो आपके लिए NDA का है ये सुनहरा मौका। NDA की फुल फॉर्म होती है दोस्तों नेशनल डिफेंस अकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जिसका NDA-1 2020 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है दोस्तों, जिसके अंदर कुल 370 वैकेंसीज हैं, जिनमें 370 में 208 आर्मी की, 42 नेवी की तथा 120 एयरफोर्स की है। इनके अलावा 48 और है जो नेवल एकेडमी की है दोस्तों। NDA की एग्ज़ाम को UPSC कंडक्ट करवाता है। आज का हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है हमारा इस वीडियो का, वो है आपकी एज लिमिट, क्योंकि UPSC ने NDA की एज में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, NDA में अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 2 जुलाई 2001 से पहले तथा 2 जुलाई 2004 के बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। तो आपकी उम्र 2 जुलाई 2001 के बाद की तथा 2 जुलाई 2004 के पहले की होना ज़रूरी है, ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। तथा यही डेट आपके मैट्रिकुलेशन, आपके 10th और 12th की जो मार्कशीट होती है वहाँ पर भी होना ज़रूरी है दोस्तों। तो आप एज का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है। बात करते हैं अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, शैक्षिक योग्यता की, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। अगर आप भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई करते हैं तो आप 12वीं कक्षा पास होना ज़रूरी है या 12वीं अपेयरिंग हो सकते हैं। आपने 12वीं कक्षा किस स्ट्रीम से पास की है, चाहे आपने आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी से भी की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप भारतीय नौसेना तथा भारतीय वायुसेना के लिए अप्लाई करते हैं, नेवी और एयरफोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना ज़रूरी है। इसका अर्थ है कि इसमें केवल साइंस के स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, आर्मी के लिए कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है तथा एयरफोर्स नेवी के लिए केवल साइंस के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप 12th अपेयरिंग या 12th पास आउट हो अपेयरिंग कर सकते हैं। बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की तो दोस्तों, इसके अंदर आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो सबसे पहले होता है आपका रिटन टेस्ट होता है। तो रिटन टेस्ट के अंदर आपके दो टेस्ट होते हैं, दो एग्ज़ाम होती है। पहला पेपर होता है मैथमेटिक्स का, जो 2.5 घंटे का होता है, 300 मार्क्स का, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। दूसरा पेपर होता है आपका 2.5 घंटे का, जो 600 मार्क्स का होता है, सामान्य योग्यता GAT जिसे कहते हैं। इसके बाद में आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, अगर आप रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको SSB के लिए कॉल आती है। फिर आपका SSB होता है 5 डे का। जब आप SSB क्लियर कर लेते हैं तो आपकी मेरिट लिस्ट के बाद में आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो सीधी अगर हम बात करें तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट, उसके बाद में आपका SSB इंटरव्यू, फिर मेडिकल होता है दोस्तों। तो इसके लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़े, उसमें अच्छे से खुलकर सब कुछ बताया गया है। अगर आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत होता है दोस्तों तो उसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग भी दी जाती है। नेगेटिव मार्किंग होती है हर एक पार्ट में, सभी पार्ट में अलग अलग होती है दोस्तों। तो वह आप नोटिफिकेशन के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड या फोरम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उम्मीदवारों के लिए मार्गदर्शन हेतु सुविधा काउंटर की व्यवस्था की गई है, आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके हेल्प ले सकते हैं।
इसके बाद में सबसे लास्ट बात हमारी होती है कि हम ये फॉर्म कब अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप फॉर्म 8 जनवरी से तथा 8 जनवरी 2020 से 28 जनवरी 2020 शाम 6 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म वापस लेना होता है तो आप 4 फरवरी से 11 फरवरी तक फॉर्म वापस भी अपना ले सकते हैं, आपका पेमेंट भी वापस मिल जाएगा। तो डेट को अच्छे से ध्यान रखें, 8 जनवरी से एनडीए के फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं, 28 जनवरी तक शाम 6 बजे तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो टाइम रहते ही फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। मैं आपको उससे पहले एक बात बताना चाहूँगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़े दोस्तों, क्योंकि बिना पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपकी हर एक बात क्लियर होगी, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको वहां पर मिल जाएगा। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं तो आपका जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में उठते हैं सभी आपके ठंडे हो जाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको स्क्रीन पर वेबसाइट दिखाई दे रहेगी होगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे मैंने आपका टेलीग्राम चैनल का नाम दे रखा है तथा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहां से भी आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, उसके बारे में उसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़े, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और आपका क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में ऐड करते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइज।